सिवान जिले के दाहा नदी पुल के शिलान्यास करने के लिए पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बता दें कि कुछ दिन पहले से ही बिहार सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि पुराने वाले दाहा नदी पुल को तोड़कर नया पुल का निर्माण किया जाएगा। इसी को लेकर बिहार के पथ निर्माण विभाग और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा 7.74 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा सिवान का दाहा नदी पुल। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज के इस कार्यारंभ के अवसर पर उपस्थित सिवान की सांसद आदरणीय श्रीमती कविता सिंह जी, दुरौदा के माननीय विधायक श्री कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह जी, सिवान के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, गोपालगंज के पूर्व सांसद श्री जनक राम जी, पूर्व विधायक श्री रामायण माझी जी, यहाँ उपस्थित सिवान के सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, पथ निर्माण विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारीगण, आज के इस कार्यारंभ के अवसर पर उपस्थित यहाँ सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, मित्रों, बिहार की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है और विकास का सबसे बड़ा पैमाना जो होता है वो ये होता है कि उस राज्य की सड़कें कैसी, उस राज्य में बिजली कितना मिल रहा है, ये दो बहुत बड़ा पैमाना होता है। और पहले चुनाव जब होता था देश में तो सड़क बिजली पानी पर ही चुनाव होता था, यही मुद्दे होते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों से जब से एनडीए की सरकार बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही, हम सब लोगों ने बिहार में ऐसा काम किया कि अब बिहार में जो चुनाव होते हैं विकास तो मुद्दा रहता है लेकिन सड़क बिजली पानी अब मुद्दा नहीं रह गया बिहार में। इसलिए कि हम लोगों ने इतना काम कर दिया इस क्षेत्र में कि अब सड़क बिजली पानी के विषय पर विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बराबर संकल्प रहता है और एनडीए का, हम सब लोग का संकल्प है कि निरंतर विकास, विकास का कोई अंतिम बिंदु होता नहीं है। विकास के जिस भी बिंदु पर हम पहुंचते हैं उसके आगे भी विकास के रास्ते खुले होते हैं। इसलिए हम निरंतर विकास में विश्वास रखते हैं और निरंतर विकास में विश्वास के कारण ही जहां 15 वर्षों में राज्य में पथ की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ, वही अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हम राज्य के किसी भी कोने से पटना राजधानी 5 घंटे में सुगमता पूर्वक पहुंच सके, इसके लिए राज्य में आधारभूत संरचना जो सड़क है उसको और बेहतर किया जाएगा, विस्तारीकरण उसका किया जाएगा। और उसी क्रम में आज हम लोग कई प्रकार के काम अपने राज्य के अंदर कर रहे हैं। सड़कों की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, जहां 4.25 मीटर का सड़क है वहां 5.5 मीटर 7 मीटर की सड़क बना रहे हैं, जहां 5.5 मीटर का सड़क है वहां 7 और 10 मीटर की सड़क बना रहे हैं, जहां पुल की चौड़ाई कम थी पुल को नया बनाया जा रहा है, नए नए पुल और पुलिया बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में सिवान शहर का ये बहुत ही मुख्य पुल था दाहा नदी पर जो काफी सटा हुआ करता था, बिहार की सरकार और पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने, पथ निर्माण विभाग ने निर्णय किया कि इसका हम चौड़ीकरण करेंगे। और चौड़ीकरण करने के क्रम में एक तरफ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज जो पुराना दाहा नदी पर पुल था उस पुल का आज से कार्यारंभ हो रहा है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 774 लाख रुपए की है। अभी जैसे ही हम लोग शिलालेख का अनावरण करेंगे उसके तुरंत बाद से इस पुल को टूटने का काम शुरू हो जाएगा और फिर बनने का काम उसके बाद होगा। ऐसे जो इस पुल को बनने का समय सीमा, समय अवधि, वह समय अवधि जो निविदा में है उसके अनुसार अगले साल मई तक इसके कार्य को पूर्ण होना था, मार्च तक। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और इस पर काफी यातायात रहता है, काफी दबाव रहता है। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि ये 15 महीना नहीं, ये काम 11 महीने में होना चाहिए और इस साल के दिसंबर महीने में इस काम को पूर्ण कर देना है। यह लक्ष्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को हमने दिया है और निगम के सभी अभियंताओं ने, निगम के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है
कि मैंने जो निर्देश दिया है कि इस पुल का निर्माण का काम दिसंबर तक पूरा होना चाहिए, तो दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा, ताकि लोगों को जो कठिनाई होती है सिवान शहर के अंदर आने जाने में, इस पुल के बन जाने से, अभी एक ही पुल चलेगा जो हमारी बाई तरफ चल रहा है, जब दोनों चलने लगेगा तो यहाँ पे काफी गोपालगंज मोड़ के पास दबाव रहता है, क्योंकि यहाँ से गोपालगंज से भी यातायात आके यहाँ जुड़ता है, और फिर दूसरी महरवा की तरफ से भी जो यातायात की गाड़ियां आती है वो जुड़ती है, तो यहाँ पे दबाव बढ़ता है। तो ये निर्देश जो दिया है, इस निर्देश के आलोक में इस पुल का निर्माण भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। सिवान की जनता को मीडिया के मित्रों के माध्यम से दो और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। अभी शीघ्र ही हमने निर्णय किया है, दो दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक हुई, और उस समीक्षा बैठक के पूर्व, जब से मैं पथ निर्माण मंत्री बना, स्वभावश और इच्छा भी रहती है कि पूरे राज्य का विकास करो, लेकिन राज्य के विकास के साथ साथ अपने जिले का भी विकास करो, ये भी भावना रहती। तो मंत्री बनने के बाद लगातार ये था कि सिवान शहर के अंदर बाईपास बनना चाहिए, और एक बाईपास जो एनएच का बाईपास है, वो एनएच के बाईपास का काम भी अंतिम चरण में, और एनएच को हमने निर्देशित किया हुआ है कि हर हाल में ये जो एनएच का बाईपास है उसको 10 फरवरी के पहले शुरू हो जाना चाहिए, और उसके लिए जो कुछ बालू भरने उड़ने के काम में जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी, वो सारी कठिनाइयों को भी जल संसाधन विभाग से बातचीत करके, जो आवश्यक उनको सहयोग चाहिए था जल संसाधन विभाग से, वो सारे सहयोग के निर्देश हमने दिलवा दिए हैं, और 10 फरवरी तक यह जो एनएच है, एनएच का बाईपास है जो गोपालगंज की ओर जाता है, यह बाईपास 10 फरवरी तक चालू हो जाएगा। तो यह तो सिवान के दक्षिणी भाग का होगा, पूर्वी और दक्षिणी भाग का, लेकिन सिवान शहर के अंदर भी बहुत दबाव रहता है, और हमने निर्णय किया है कि सिवान के दक्षिणी छोर से बाईपास बनाया जाएगा, और यह बाईपास जो होगा वो पचरुखी महमदपुर से इसकी शुरुआत होगी, और जो सिवान सिसवन रोड है, सिवान सिसवन रोड को होते हुए गोपलापुर में जाके यह जो राम जानकी पथ भविष्य में बनने वाला है, गोपलापुर में जाके मिलेगा, और इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर की लंबाई होगी, और यह जो प्रोजेक्ट बना, सिवान के जिलाधिकारी और यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों ने मिल के बनाया, और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस योजना की स्वीकृति भी मिल गई है कि इस काम को अब लेकर आगे बढ़ा जाए, और डीपीआर बनाने का निर्देश विभाग को हमने दे दिया है, और यहाँ के कार्यपालक अभियंता को भी उस निर्देश की जानकारी प्राप्त हो गई है, और डीपीआर यहीं पर है, कार्यपालक अभियंता महोदय, और डीपीआर बनाने का काम वो शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में सिवान के लोगों को एक बहुत बड़ा राहत यातायात मिलेगा जब ये वाहन से बाईपास बन जाएगा। इसके साथ ही जो सिसवन ढाला है, सिसवन ढाला से स्टेशन होते हुए फिर पुल पर होके रेनुआ गांव होते हुए दरोगा राय कॉलेज के पास, ये भी एक आदरणीय व्यासदेव जी बैठ जाए, दरोगा राय कॉलेज के पास वो भी बाईपास बनेगा, उसकी भी स्वीकृति परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बातचीत चर्चा हुई उसमें इसकी भी स्वीकृति मिल गई, और उसका भी डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया गया। तो ये दो नए बाईपास आगे आने वाले समय में सिवान शहर को ही केवल जाम से मुक्त नहीं कराएगा, बल्कि सिवान जिला के एक बड़े भाग को सुगम यातायात उपलब्ध कराएगा, और जब राम जानकी पथ बन जाएगा, मतलब अयोध्या से सीतामढ़ी तक आने जाने की सड़क के निर्माण का काम जो बढ़ने वाला है वह जब पूरा हो जाएगा, तो उस वक्त यह बाईपास बहुत कारगर और लाभकारी होगा। तो ये दो नई योजनाएं, दो नए बाईपास की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा में हो गया है, और उसके डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम सब लोग लगातार सिवान जिले के अंदर किस प्रकार नए निर्माण के काम को गति दे और पुराने काम को जल्दी से पूरा करें, दोनों काम हम सब लोग कर रहे हैं, और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर जब इस दाहा नदी पर होने वाले पुल के निर्माण का कार्यारंभ हो रहा है, भविष्य में
जो सिवान में दो बाईपास बनेंगे उसकी भी घोषणा और जानकारी आज मैं सिवान के लोगों के बीच, सिवान के सभी प्रमुख अपने जनप्रतिनिधियों के बीच इसकी घोषणा कर रहा हूँ, इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये बात कल जिले की सभी जनता तक पहुँच सके। आज आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उपस्थित पथ निर्माण मंत्री, संस्कृत मंत्री, कला संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित गोपालगंज के पूर्व सांसद आदरणीय श्री जनक राम जी, दरभंगा के माननीय विधायक आदरणीय श्री करणजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस सभा में उपस्थित जनता जनार्दन, मेरे अभिभावक, एनडीए के समस्त कार्यकर्तागण, मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। आज हम लोग बिहार के विकास के बढ़ते कदम के तहत एक और ऊंचाइयों को यह सिवान जिला छूने जा रहा है। आज इस दाहा नदी के पुल बनने की शुरुआत हो रही है। हमारी सरकार, चाहे वह केंद्र में हो, बिहार में हो, दोनों मिलकर आपसी सामंजस्य के तहत बिहार के को विकास के पथ पर अग्रसर है। चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पठन पाठन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आज हम लोग इस दाहा नदी पे जो वर्षों से पुल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह पुल जिस अवस्था में थी और लोगों को आने जाने में तकलीफें होती थी, आज उस तकलीफों से निजात पाने की अगली कड़ी में हम लोग सम्मिलित हुए हैं कि जल्द से जल्द यह पुल बनकर तैयार होगा और सभी जनमानस को चलने के लिए यह पथ उन्हें प्रदान होगा। और भी अनेकों कार्य हो रहे हैं, आप सभी से यही निवेदन है, आग्रह है कि विकास के पथ पर जो हमारा बिहार बढ़ रहा है, आप सभी की एक साथ हम लोग रहे, अगर के जो सिवान जिले का विकास हो रहा है उसमें अपने योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।